सब्सक्राइब करिए टेकियास यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियास यूट्यूब चैनल। और गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग ने प्रीवियस Q&A वीडियो में मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो रिप्लाई तो मैं सारों का करने वाला हूँ। और मुझे पता है कि Q&A की वीडियो सैटरडे को मैं अपलोड करता हूँ, बट कुछ यहाँ पर मैं बिजी था इसलिए यहाँ पर ये वीडियो आपको मिलेगी मंडे को। और गाइस, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन तो सारे पिक करा हूँ, बट कोई कोई क्वेश्चन जो सिमिलर रहते हैं उन लोगों का मैं एक किसका भी क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। और साथ साथ ये भी बताऊँ कि आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपेट करना है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड या दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में #AskTY लगा के पूछ सकते हो। भाई #AskTY यहाँ पर यूज़ कर लेना, वही सब सारे क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बिप्लव बिस्वाल बोलते हैं कि Realme 2 आएगा क्या? तो भाई देखो, Realme 1 इतना सक्सेसफुल डिवाइस बन रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में Realme 2 भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निखिल तिवारी बोलते हैं, Honor Play वर्सेस Mi 8 विच इज़ बेटर? देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो Mi 8 सबसे बढ़िया डिवाइस है। Honor Play भी अपनी जगह पर अच्छा है, कम प्राइस पॉइंट पर चाइना में लॉन्च हुआ है, बट Mi 8 उससे बढ़िया रहेगा। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से प्राइसिंग आपको हाई चल जाएगी तो Mi 8 बढ़िया डिवाइस रहने वाला है। विजय सिंह यहाँ पर बोलते हैं, विच प्लेयर डू यू लाइक इन क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड टीम? क्रिकेट में देखो भाई, इंडिया सबसे फेवरेट टीम है, IPL में KKR है और बेस्ट प्लेयर मेरा है यहाँ पर विराट कोहली। और फुटबॉल में मेरा फेवरेट प्लेयर है यहाँ पर रोनाल्डो और टीम मेरी है पोर्चुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोहम्मद रजा बोलते हैं, Realme या Y2 कौन सा सही रहेगा? देखो, ओवरऑल अगर आपको बहुत ही अच्छा फ़ोन चाहिए तो Realme वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। 9000 में सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को नहीं मिलता है, बाकी अगर आपको कैमरा बढ़िया चाहिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए तो Y2 भी आप परचेस कर सकते हो, बट मेरी पिक रहेगी यहाँ पर Realme 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा बोलते हैं, Redmi Note 4 और Realme 1 में से कौन सा फ़ोन अच्छा है? डेफिनेटली यार, Realme 1 बढ़िया है। Note 4 अभी के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, मैं यूज़ करता हूँ, अलग बात है, मैंने पहले लिया था, बट अभी के लिए Note 4 लेना यार समझदारी की बात नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सकरू नायक बोलते हैं, Zenfone 5 लॉन्च एक्सपेक्टेड डेट प्राइस? देखो, Zenfone 5 की जो प्राइस है ना वो 20,000 के आसपास ही रहने वाली, ये तो कंफर्म है, बट यार ये इंडिया में कब लॉन्च होगा उसी वासूस वाले ही बता सकते हैं, उसके अलावा जो भी बोल रहा है वो फेक बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं यहाँ पर जीत का नंबर, यहाँ पर ये बोलते हैं MIUI 10 का अपडेट कब आएगा? MIUI 10 देखो यार, आपको जुलाई में सारे फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू ट्रिक्स एंड आइडिया बोलते हैं, भाई IPS LCD डिस्प्ले अच्छा है या सुपर एमोलेड? अगर अच्छा है तो क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले अच्छा रहता है, जो आपको जो कलर पंची कलर देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो डीप का लेवल जो है, डीपर ब्लैक अब पिच ब्लैक आपको देखने को मिलता है, ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले रहता है। और ये पूछते हैं Redmi 4 में फेस अनलॉक कब आएगा? भाई नो आइडिया, आएगा भी ये नहीं आएगा। और ओरियो अपडेट कब आएगा? ओरियो अपडेट आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिल सकता है, शायद MIUI 10 के साथ में रोल आउट कर दे Xiaomi ओरियो अपडेट Redmi 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महेश रॉय बोलते हैं, Honor 9i 2018 इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, प्लीज़ बताओ? देखो, मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि Honor 90% ये इंडिया में लॉन्च कर सकता है। नीलोमा सरकार पूछते हैं यहाँ पर, कौन सा ईयरफोन यूज़ करते हो? तो भाई यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ MI का इन ईयर ईयरफोन, जो कि अभी यहाँ पर आपको MI स्टोर पर भी नहीं मिलता, अमेजोन पर भी नहीं मिलता, पता नहीं क्यों निकाल दिए, ये मैंने 600 में परचेस किया था, बहुत ही कमाल का ईयरफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर बसीर खान बोलते हैं, भाई Honor Play का चिपसेट हाई सिलिकॉन Kirin 970 और आर्किटेक्चर माली G72 MP12 क्या स्नैपड्रैगन और एड्रिनो के साथ कितना कंपेयर करते हैं? भाई तो ये देखो, जो हाई सिलिकॉन Kirin का जो प्रोसेसर है ना, वो आपको Honor का या Huawei का फ्लैगशिप चिपसेट है, जो कि आपको Huawei P20 Pro में भी देखने को मिलता है। तो ये अगर आप कंपेयर करते हो स्नैपड्रैगन से, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 835 जितना परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिमांशु अरोरा बोलते हैं, Lenovo Z5 कब आ रहा है? तो देखो, यहाँ पर लीक्स एंड रूमर्स यहाँ पर बताई जा रही है, बहुत सारी आ रही है कि जुलाई के एंड तक आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है रामनिक सिंह की तरफ से, ये बोलते हैं Mi 8 इंडिया में कब आएगा? देखो, Mi 8 का तो पता नहीं, यहाँ पर कोई लीक्स वगैरह निकल के नहीं आई है, बट जो Mi 8 SE है वो बताया जा रहा है जुलाई के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विमूर्ता दास बोलते हैं, भाई Vivo X21 और Honor 10 ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए तो? देखो, मैं आपको बोलूँगा दोनों फ़ोन में से कोई भी, मतलब OnePlus 6 के लिए जाओ, वो बढ़िया ऑलराउंडर फ़ोन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समीर तिवारी बोलते हैं, भाई विच वन टू चूज इन Realme 1, Asus Zenfone Max Pro, Redmi Y2 इफ बजट इज 11K? वन वर्ड आंसर, Realme 1। 4GB 64GB वाला ले लो, सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, फेस अनलॉक और इम्प्रूव हो चुका है, रैम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो चुका है, तो Realme 1 यार बेस्ट है। कैमरा, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, सारी चीज़ें अच्छी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अक्रमुल होक बोलते हैं भाई क्या रियलमी 1 3GB 32GB वाला का रैम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। देखो भाई पहले था, अभी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर विशाल ठाकुर बोलते हैं 3 मंथ से डब्बा फोन यूज कर रहा हूँ, सजेस्ट मी अ गुड फोन अंडर 20K। देखो 20K का अगर आपका बजट है और आपको बढ़िया फोन चाहिए तो भाई 1 महीने का वेट कर लो, जुलाई में बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशन है। तो Lenovo का Z5 भी लॉन्च हो सकता है और Xiaomi का Mi 8 SE भी लॉन्च हो सकता है, तो 15,000 से 20,000 के बीच में ही दोनों फोन रहेगा, तो भाई वेट कर लो, वो आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ गुप्ता बोलते हैं रियलमी 1 गिव्स गुड कैमरा, कैन कम्पीट विद Redmi Note 5 Pro कैमरा और नॉट। डेफिनेटली यार Redmi Note 5 Pro का कैमरा स्लाइटली बेटर है, रियर कैमरा एज वेल एज फ्रंट फेसिंग कैमरा Realme 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रोहन मोबाइल टेक बोलते हैं भाई MediaTek P22 को किससे कंपेयर करेंगे। देखो अगर आप स्नैपड्रैगन से कंपेयर करते हो तो 625-450 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गौतम ऑल जोन बोलते हैं भाई मेरे को कोई फोन लेना चाहिए 10,000 का, मतलब इनका बजट है, ये क्या मोबाइल आने वाला है। देखो 10,000 में अगर आपका बजट है Realme 1 ले लो, 11,000 वाला वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जोएब क्रिएशन बोलते हैं ओप्पो Realme 1 के ट्रिक एंड ट्रिक वीडियो बनाओ, कैमरा टिप्स फोन टिप्स। तो भाई अगर आपको नहीं पता Realme 1 मैंने पूरा रिव्यू कर चुका हूँ चैनल पे, टिप्स एंड ट्रिक की भी यहाँ पर कलर ओएस की वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं अल्ताफ हुसैन, ये बोलते हैं ऑनर 7X कैसा है सर। सबसे पहली बात यार सर मत बोला करो, मैं आप सभी का फैमिली मेंबर हूँ, भाई बोला करो या ब्रो या बड़ा भाई छोटा भाई जो बोलना आप बोल सकते हो। और ऑनर 7X यार अभी के लिए गलती से भी मत लेना, ठीक अच्छा फ़ोन है बट अभी के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पहले कॉम्पिटिशन कम था। बट अभी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा रेडमी नोट 5 प्रो परचेस कर सकते हो, या Zenfone का जो 6GB वाला आने वाला है उसका आप वेट कर लो, जुलाई की स्टार्टिंग में या मिड जुलाई तक आपको देखने को मिल सकता है। बस ये थे आपकी तरफ से क्वेश्चन जो कि मैंने पिक करा, आई होप कि आप सारों का रिप्लाई कर दिया हो। और अगर आपको नेक्स्ट Q&A वीडियो में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है कोई भी मतलब कुछ भी पूछना है, तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में #AskTY लगाना मत भूलना। अभी भी बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे थे #AskTY नहीं लगाए, तो मैंने वहाँ पर उन लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं कराओ, #AskTY लगा देना, मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं देखो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।